नमस्कार, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के लिए ही एक विशेष युति बन रही है। 5 ग्रहों की युति है, ये 27 दिन तक रहेगी। तो आपके लग्न के अनुसार ये युति बनेगी आपके 6th हाउस में। अब आपको ऑलरेडी पता है कि गुरु, शनि और केतु ये आपके 6th हाउस में फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आएंगे शुक्र। तो शुक्र का यहाँ पर प्रवेश होगा 21 नवंबर को और ये 15 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। अब 6th हाउस हमारा जो मैन, हम यहाँ से देखते हैं, हम कर्ज को देखते हैं, साथ ही साथ हम रोगों का विचार भी करते हैं और हमारे जो शत्रु हैं उनका विचार भी यहाँ से करते हैं। हमारा डेली वर्क रूटीन है वो हम यहाँ से देखते हैं और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम 6th हाउस से विचार करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये 3 ग्रह ऑलरेडी जो गोचर कर रहे हैं इनकी आपको कंडीशन देखनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु अपनी स्वराशि के हैं और इनके साथ केतु हैं, तो इन दोनों का जो होता है एक नेचर वो लगभग एक जैसा है। शनि थोड़े से स्ट्रिक माने जाते हैं इस मामले में, तो यहाँ पर ये तो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। उसके बाद जब शुक्र का यहाँ आगमन हो जाएगा, यहाँ गोचर स्टार्ट हो जाएगा शुक्र का, तो गुरु और शुक्र एक दूसरे से विपरीत प्रवृत्ति वाले यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा कुछ लाभ या फिर बहुत बड़ा कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपका जो राहु है ये आपका यहाँ पर इनमें जो बन रहा है मेन जो रोल इसी का है, राहु का मेन रोल है, क्योंकि यहाँ ऑपोजिशन बन रहा है राहु से इन सभी ग्रहों का। इसकी वजह से आप अपनी लगन चार्ट में देखें आपके शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है, गुरु की कहाँ है, केतु कहाँ है, शनि कहाँ है, इन सब की देखें और राहु की जरूर देखें। अगर आपके इनमें से कोई भी 3 या 4 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं लगन चार्ट में तो आपको इतना खराब परिणाम नहीं देंगे। वैसे ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। 6th हाउस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो राहु के साथ जो युति बन रही है यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है, युति नहीं बल्कि दृष्टि संबंध। तो ये सारा जो है आपको कहीं ना कहीं गुरु इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने सारे यहाँ पर एक ही वीडियो में, क्योंकि एक ही फ्रेम पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये तो एक में ही दिखाए हैं मैंने। आप देखिए यहां पर सबसे पहले युति बनेगी गुरु, शनि, केतु और शुक्र की। इसकी वजह से आपको 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में जो मैंने पहले बताए हैं उनमें आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप विदेश में हैं और विदेश में हैं तो अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाएं। इन 27 दिनों में आप अपना बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लें, क्योंकि ये जो युति है वो अचानक कुछ अच्छे या कुछ बहुत बुरे परिणाम आपको दे सकती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सूर्य और बुध की। देखिए 17 दिसंबर से ये जो युति है यहाँ पर शुक्र तो नहीं रहेंगे, सूर्य और बुध आ जाएंगे। सूर्य और बुध का जो आगमन है इस हाउस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सूर्य और बुध दोनों का ऑपोजिशन बन जाएगा राहु से, तो सूर्य का यहाँ पर जो ऑपोजिशन बन रहा है वो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। इसके बाद यहाँ पर शनि और सूर्य की युति भी हो रही है और शनि और राहु का ऑपोजिशन भी है, तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दे सकता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक पॉजिटिव साइन भी दिख रहा है, क्योंकि गुरु अपनी खुद की राशि में है और ये राहु की नेगेटिविटी को यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ लाभ मिलने की संभावना भी है। बट आप अपने लगन चार्ट में देखेंगे तो अगर आपके ग्रह कमजोर हैं और आपका लगन चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है तब आपको यहाँ खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। अब आपको सावधान कहाँ रहना है, आप अपने डेली वर्क रूटीन पे जहाँ जाते हैं, रोज ट्रेवल करते हैं या फिर कैसे भी जाते हैं, वहाँ आप सावधान रहिए, आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं।
या आप शत्रुओं को एकदम पराजित भी कर देंगे अगर आपके ये ग्रह स्ट्रोंग है तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर पहले से कोई रोग है तो वो ठीक होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने कहीं पहले उधार ले रखा है, पैसा ऋण ले रखा है, तो वो आप उतार सकेंगे। अगर इनमें से आपका बुध, सूर्य, गुरु, ऐसे ये जो प्लेनेट हैं वो अगर स्ट्रोंग हैं तो। साथ ही साथ देखिए, अब यहाँ पर एक और रीज़न है, क्योंकि सभी ग्रहों का जो सप्तम भाव पर, यहाँ पर, यहाँ से इस हाउस से सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि है और यहाँ राहु है, तो ये सारा जो है इन सभी को राहु प्रभावित कर रहे हैं यहाँ से। अब राहु भी उच्च के हैं, अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, या फिर आपके टेंथ हाउस या इलेवंथ में है राहु, तो बहुत अच्छी बात है। और सूर्य से हालांकि इनका जो ऑपोजिशन बन रहा है वो थोड़ा सा खराब रिजल्ट आपको जरूर देगा यहाँ पर, तो आप अलर्ट हो जाएं, आपके साथ कुछ भी बहुत अच्छा या कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ विशेषकर आप शत्रुओं को लेकर सावधान रहें, और इसके अलावा आपको जो सावधानी बरतनी है यहाँ पर, आपको रोगों को लेकर भी बरतनी है सावधानी। इसके बाद आपको ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मिलेंगे सिक्स्थ हाउस के और बारहवें भाव के, यानी ट्वेल्थ हाउस के। इसके अलावा और जो ग्रह हैं इनकी कुछ और दृष्टियां भी हैं, जैसे गुरु की यहाँ पर पांचवी दृष्टि है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके टेंथ हाउस पर जा रही है। शनि की यहाँ पर जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके एट्थ हाउस पर जा रही है। हालांकि इन भावों को बहुत कम ये प्रभावित करेगी ये युति, लेकिन आपके सप्तम हाउस को और इस हाउस को, सिक्स्थ हाउस को, यहाँ से सप्तम हाउस को और इस सिक्स्थ हाउस को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ परिणामों में जरूर यहाँ पर नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात है अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा हो, इस युति के दौरान पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले, आपको नेगेटिव रिजल्ट बिल्कुल ना मिले। लेकिन फिर भी आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ कर चलें इस समय में। यहाँ पर ये जो युति है वो लगभग 27 दिन की रहेगी। बुध 13 जनवरी को धनु राशि छोड़ देंगे, जबकि सूर्य 14 जनवरी को। तो सूर्य और बुध का यहाँ पर जो युति बन रहा है इनके साथ, गुरु, शनि और केतु के साथ, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पर गुरु सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे, वैसे ये आपको प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे बुरी चीज़ों से, गलत कार्यों से, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये ओपोजिशन है वो राहु के साथ है, और राहु जैसा प्लैनेट है ये कितना भी आपके जो है ताकतवर हो या अपना रूप या अपने जो प्रभाव है वो दिखाए बिना नहीं रहता है, तो अचानक कुछ आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है गड़बड़ी या बहुत अच्छा कुछ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु के पास कितने भी आपके लगन चार्ट में अगर डिग्री है, चाहे वो जीरो डिग्री भी है या फिर वो 28 या 29 के भी हैं, तो भी ये अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेंगे, तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं तो भी थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु उच्च के हैं और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव जरूर देंगे। वैसे इस हाउस में जो है यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का निर्माण यहाँ जरूर हो रहा है, क्योंकि गुरु, शनि और केतु का जो पहले युति थी, उसके बाद यहाँ सूर्य और बुध आ गए। शुक्र के आने से थोड़ा सा यहाँ पर जरूर इन तीनों की जो युति है उस पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और सूर्य और बुध के होने से यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस भाव को ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो लाइट है और सूर्य का जो प्रकाश है उसकी वजह से ये भाव यहाँ पर, जहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर एक बहुत अच्छी रोशनी हो जाती है जिसपे हम सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ओपन इनिमेज हैं, जो खुले शत्रु, खुलेआम जो आपके सामने आते हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। जॉब को लेकर भी थोड़ा सा आप इन दिनों में सावधान हो जाएं, या तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर जॉब में जहां आप काम करते हैं, अपना जो डेली वर्क करते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात एक और है कि यहां पर जो युति है, जिनकी नाइन्थ दृष्टि, यहां पर गुरु की नाइन्थ दृष्टि है और यहां पर बाकी तो इनकी नहीं है किसी की,
तो ये आपके सेकंड भाव पर भी पड़ रही है। सेकंड भाव पर यहाँ दृष्टि होने से आपको धन भी आ सकता है इस समय में, काफ़ी अचानक धन लाभ हो सकता है, या अचानक आप जो कर्ज है उसको उतार सकते हैं। आपके ऊपर जो कर्ज पहले से चढ़ा हुआ है कहीं से, वो आप उतार सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसकी युति यहाँ इसी हाउस में इसी राशि के लॉर्ड के साथ हो रही है, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। और बस आप जो खुले आम शत्रु यानी आपके सामने आते हैं, जो ओपन इन इमेज हमारे होते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। आपके जो सहकर्मी हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपके जो को वर्कर्स हैं, उनसे भी आप अच्छा रिलेशन इस समय में बनाकर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय